मेष राशि वालों के लिए क्या फल लेकर आ रहा है। मेष राशि वालों, आपके लिए इस वीक लक, मनी, प्रॉस्पेरिटी, ट्रैवलिंग लक दिख रहा है। रिलेशनशिप विल आल्सो बी बैलेंस्ड एंड यू विल बी एबल टू अचीव ऑल योर गोल्स दिस वीक। बट इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, डू नॉट टेक स्ट्रेस एंड जस्ट बी पॉजिटिव। अब हम देखेंगे सेकेंड जोडियक, वृषभ, टॉरस। वृषभ राशि वालों, इस वीक मेंटली, इमोशनली यू विल बी डिस्टर्ब्ड, यू विल बी इन सम सैडनेस और डिप्रेशन, सो यू नीड टू टेक केयर एंड जस्ट बी पॉजिटिव। मनी एंड करियर, बिजनेस विल बी रियली वेरी गुड, यू विल बी एबल टू अचीव ऑल योर गोल्स दिस वीक, यू माइट गेट प्रमोशन एंड योर हेल्थ विल ऑल्सो बी वेरी फिट, फाइन एंड हेल्दी। अब हम देखेंगे तीसरी राशि, मिथुन राशि, जेमिनाई। सो मिथुन राशि वालों, आपको तो इस वीक हेल्थ, वेल्थ, गुड लक, प्रॉस्पेरिटी, गुड रिलेशनशिप, मनी लक और आपका जो भी काम है उसमें आपको जॉब प्रमोशन मिल सकता है एंड करियर विल बी वेरी गुड। और आपकी हेल्थ में कुछ छोटे मोटे डिस्टर्बेंस हो सकते हैं तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। चौथी राशि कर्क राशि, कैंसर। You need to take care of your health. Do not take over stress and burden of your work. Your work will get disturbed due to some sadness or some politics. So you have to be quiet and positive. Your health will be good and relationship will also be good. अब हम देखेंगे अगली राशि, तो सिंह राशि वालों, आपको इस वीक health, wealth, relation, career, good times, journey times and you will be able to enjoy this week with your near ones and career will also be very successful. अब हम देखेंगे छठी राशि, कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों, आपको इस वीक करियर और बिजनेस में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी और रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। सातवीं राशि तुला राशि, लिब्रा। तो तुला राशि वालों, आपको भी इस वीक हेल्थ, वेल्थ, रिलेशन, करियर, एवरीथिंग विल बी वेरी गुड, यू विल बी वेरी हैप्पी विथ ऑल योर रिलेशनशिप्स एंड यू विल बी एबल टू एन्जॉय योर टाइम्स विथ योर नियर वंस। अब हम देखेंगे आठवीं राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक। तो वृश्चिक राशि वालों, आपको इस वीक कुछ नेगेटिविटी, जेलसी या किसी अपने ही लोगों की नेगेटिविटी के कारण आपके हेल्थ पे कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो आपको अपना प्रोटेक्शन करना है। करियर एंड बिजनेस विल बी रियली वेरी गुड एंड सक्सेसफुल एंड योर रिलेशनशिप्स विल बी एवरेज। सो आपको इस वीक किसी से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं। अब हम देखेंगे नौवीं राशि, धनु राशि, सेजिटेरियस। तो धनु राशि वालों, आपको इस वीक करियर और बिजनेस में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, देर विल बी सम चेंजेस इन योर जॉब और बिजनेस, यू माइट गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज़, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड वीक फॉर यू फॉर न्यू करियर ग्रोथ। हेल्थ विल बी वेरी गुड बट इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप यू विल बी डिस्टर्ब ड्यू टू योर सम रिलेशनशिप्स, सो यू शुड कीप पॉजिटिव एटीट्यूड एंड डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। अब हम देखेंगे अगली राशि, दसवीं राशि, मकर राशि, कैप्रिकॉन। तो मकर राशि वालों, आपको इस वीक कुछ डिस्टर्ब वीक रहेगा, आपके करियर बिजनेस में भी कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, आपके हर काम में ऑब्स्टेकल या डिले हो सकता है। आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है और रिलेशनशिप्स विल ऑल्सो बी सम डिस्टर्बेंस विल बी देयर, सो जस्ट बी पॉजिटिव। अब हम देखेंगे ग्यारहवीं राशि, कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वालों, एक्वेरियंस, यू विल बी वेरी प्रॉस्परस दिस वीक, देर विल बी सम लक, मनी एंड प्रॉस्पेरिटीज कमिंग इन योर लक, सो यू विल बी वेरी हैप्पी, हेल्थ विल बी वेरी गुड बट रिलेशनशिप माइट बी लिटल डिस्टर्ब, सो जस्ट बी पॉजिटिव एंड हैप्पी और आप अपने आप को स्ट्रांग रखिए। अब देखेंगे आखिरी राशि, मीन राशि, पाइसिस। मीन राशि वालों, आपको इस वीक करियर और बिजनेस में कुछ नेगेटिविटी या डिस्टर्बेंस हो सकती है जिसके कारण आपके काम में कुछ ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, आपकी हेल्थ भी आपको संभालनी है, यू शुड नॉट टेक ओवर बर्डन एंड स्ट्रेस, जस्ट बी पॉजिटिव
एंड योर रिलेशनशिप्स विल बी वेरी गुड एंड यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड दिस वीक इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप।